अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम ओनर रिव्यूज की एक न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हैं। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसे होंडा सीडी 70 कहते हैं। फ्यूल इकोनॉमिक बाइक है और हर घर की इस्तेमाल में ये बाइक आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा बाइक, छोटा बाइक, साइज में भी कम्पैक्ट है और फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो बहुत इकोनॉमिकल बाइक है। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसके ओनर हैं उमर भाई। तो उमर भाई से रिव्यू लेते हैं इस बाइक के बारे में कि वो हमें बताएंगे कि ये बाइक कैसा है। तो कैसे हैं उमर भाई? ठीक ठाक हैं आप उमर भाई? ये आपने बाइक कब लिया था और कितने का लिया था? अच्छा, आप ये बताएं कि पहले आपने यूनियन स्टार यूज़ किया और आप सीडी 70 यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंट बहुत अच्छा, एक तो चलने में बहुत कंफर्टेबल है, दूसरी बात इसका थकाता नहीं है, यूनियन स्टार थकाता बहुत है और उसे स्मूथ है ड्राइव में, बहुत अच्छा है, फ्यूल एवरेज भी अच्छी है उसे। ठीक, अच्छा फ्यूल एवरेज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपको सिटी में कितने किलोमीटर पर लीटर देते हैं और लॉन्ग ड्राइव में कितने? लॉन्ग पे तो कभी चेक भी नहीं किया और सिटी में तकरीबन कोई 40-45 दे रहा होगा। लेकिन लोगों का कहना ये है कि होंडा सिटी 70 जो है ये 70 प्लस के एवरेज देता है और कंपनी जो आपको रिकमेंड करती है वो कहते हैं कि ये 80 किलोमीटर पर लीटर देता है। अभी तो है भी रनिंग में और तकरीबन 40-45 दे रहा होगा, मतलब है रनिंग करने के बाद तकरीबन इतना ही होगा, ट्यूनिंग करने के बाद ये 50 प्लस के एवरेज देगा। ठीक, तो आप ये बताएं कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इसकी कैसे आपको मिलती है? बहुत इजी है, हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक, और मार्केट वैल्यू के बारे में आप क्या कहते हैं? वैल्यू भी कैश है, जब सेल करना चाहिए उस टाइम सेल होता है। तो इसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है, जिस तरह की आप इसकी रिसेंटली प्राइस 76,500 है, तो क्या प्राइस के बढ़ने की वजह से, या मैं आपको ये कहूँ कि यूनियन स्टार जो बाइक है उसके आने से इसकी सेल में कोई फर्क पड़े है या नहीं? कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वैसे ही सेल हो रहा है, जिसने सीडी लेना वो सीडी ही लेता है बिल्कुल, चाहे प्राइस जितने भी आप हो, क्योंकि ये एक मजबूत मोटरसाइकिल है और उसके ड्राइव भी उससे बहुत ही फर्क है। अच्छा, ये हाइट पे यूनियन स्टार से थोड़ा नीचे है? थोड़ा नीचे है, यूनियन स्टार की हाइट थोड़ी ऊपर है। मतलब है आप इस बाइक से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई। ठीक, और आप मेरे व्यूअर्स को कोई चीज़ बताएं इसकी जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगी, जो आपको यूनियन स्टार में अच्छी ना लगी और सीडी 70 में आपको पसंद आई हो? मेन जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी पेट्रोल लेवल बहुत अच्छी है। ठीक, और ड्राइव बहुत स्मूथ है, कंफर्टेबल बहुत है, शॉकर अच्छे हैं, सीट अच्छी है, हर लिहाज से बाइक ये अच्छा है यूनियन स्टार। ठीक, मतलब है आप क्या कहते हैं हमारे व्यूवर्स को कि ये बाइक लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। ठीक, यूनियन स्टार की जगह ये बाइक ज़्यादा आप प्रेफर? ज़्यादा अच्छा। ठीक, अच्छा उमर भाई आप ये बताएं कि 2019 मॉडल के भी ग्राफिक्स आए थे होंडा सिटी 70 के, वो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगे थे या ये 2020 के जो न्यू ग्राफिक्स हैं ये आपको खूबसूरत लगे? 2019 के भी ग्राफिक्स अच्छे थे, पर ये था वो थोड़ा सिंपल था, ब्लू शेड थी सिर्फ, बिल्कुल सिंपल ग्राफिक्स थे। ठीक, इसमें उन्होंने ये किया है कि ऑरेंज ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन रखा है बहुत कैची लुक है, थोड़ा उससे खूबसूरत है। बिल्कुल खूबसूरत भी है और डिसेंट भी लगे, डिसेंट भी है, वो जो था बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा उसे थोड़ा उन्होंने अच्छा करके बनाया। अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि इसकी सीट्स पे कितने एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं? दो नहीं तो तीन तो बैठ सकते हैं, दो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं और अगर तीन बिठाना चाहे तो तीन भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है, दो तो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारा आज का रिव्यू ये था, जैसे कि उमर भाई ने बताया कि होंडा सिटी 70 एक जापान की टेक्नोलॉजी है और इसकी फ्यूल कंजप्शन भी अच्छी है और यूनियन स्टार से इसकी पिक भी अच्छी है और कंफर्टेबल भी ये ज़्यादा है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, और हमारे पेज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।